जिस कृषि कानून को लाने की मांग दशकों से हो रही थी, आखिर मोदी सरकार द्वारा उसी कृषि कानून को लाए जाने का विरोध क्यों हो रहा है? सवाल है कि क्या नए कृषि कानून में कोई खामियां हैं, या किसान खामखा डरे हैं, या फिर किसान की आड़ में कोई अपनी राजनीतिक फसल उगाना चाह रहा है? क्योंकि नए कृषि बिल का विरोध सिर्फ पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान कर रहे हैं, जहां अगले साल चुनाव हैं। चुनाव तो अगले साल बंगाल में भी हैं, लेकिन वहां कृषि कानून का विरोध नहीं हो रहा। किसान आंदोलन के लगभग एक महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन ये विरोध सिर्फ पंजाब के किसानों तक ही सीमित दिख रहा है। बाकी किसी राज्यों में अब तक नए कृषि कानून का विरोध किसानों द्वारा करते नहीं देखा गया। खैर छोड़िए, आपको सबसे पहले मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए तीन कृषि कानूनों के बारे में बतलाते हैं, जिसका विरोध चंद राजनीतिक दल और पंजाब के किसानों द्वारा किया जा रहा है। पहला कानून है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020। इस कानून के तहत सरकार ने एक नया इकोसिस्टम यानी व्यवस्था बनाने का प्रावधान किया है, जिसमें किसानों को अपनी फसल मनचाही जगह यानी मंडी और मंडी से बाहर दोनों जगह बेचने की आजादी होगी। वे अपने राज्य और दूसरे राज्यों में जाकर अपनी फसल की खरीद बिक्री कर सकते हैं। फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसान अपनी फसल ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। किसानों के लिए मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी कम होगा। लेकिन किसान कह रहे हैं कि इस कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी। टैक्स बचाने के लिए व्यापारी मंडियों से बाहर खरीदारी करेगा। यानी जो बातें कानून में ना लिखी गई हैं, ना कानून लाने वाली सरकार द्वारा कही गई हैं, वही बोल किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं। दूसरा कानून है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। इस कानून के दायरे में अब किसान अपनी फसल के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी अपनी सुविधा अनुसार करार कर सकते हैं। यानी कि कृषि करारों पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत किसी भी कृषि उत्पादों की बिक्री फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों के साथ किसान आसानी से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस कानून के दायरे में किसानों को गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, कर्ज की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा देने की बात शामिल है। इस कानून के तहत फसल खराब होने पर कॉन्ट्रैक्टर को पूरी भरपाई करनी होगी। लेकिन किसान ये कहकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं कि उनकी जमीन उद्योगपतियों द्वारा छीन ली जाएगी, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों की स्वेच्छा पर होगी और इसमें फसल खराब होने पर कॉन्ट्रैक्टर को पूरी भरपाई करने का प्रावधान किया गया है। खुद मोदी भी इस पर किसानों को आश्वस्त कर चुके हैं। साथियों, फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है, जमीन किसान के ही पास रहती है। एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है। प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भी एग्रीमेंट के अनुसार किसान को पूरे पैसे मिलते हैं। नए कानूनों के अनुसार अगर अचानक, यानी जो एग्रीमेंट तय हुआ है लेकिन जो स्पॉन्सरर है, जो भागीदार है, जो पूंजी लगा रहा है और अचानक मुनाफा बढ़ गया, और किसान के कॉन्ट्रैक्ट में तो कम पैसा है लेकिन मुनाफा बढ़ गया, तो इस कानून में ऐसा प्रावधान है कि जो बढ़ा हुआ मुनाफा है किसान को उसमें से भी कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। इस नए कानून में आवश्यक अधिनियम को 1955 में बदलाव किया गया है। नए कानून के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाद, तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान है। इसके अलावा भी इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। लेकिन किसान बेवजह भ्रमित है कि सरकार एमएसपी खत्म कर देगी।
जबकि खुद पीएम मोदी कई बार किसानों से ये आश्वासन दे चुके हैं कि एमएसपी किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। अब तय आपको करना है कि जीत पर कौन अड़ा है, सरकार या किसान। सरकार भी किसानों से बातचीत कर समाधान निकालने को कह रही है, लेकिन भ्रमित किसान अपनी जीत पर अड़े हैं और तीनों कानूनों को ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं।